पटना के मोकामा प्रखंड के हाथीदह और मरांची थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन एनएचएआई का 6 लेन ब्रिज के लिए एनएचएआई पत्र जारी कर कॉन्ट्रैक्टर को काम जारी रखने का आदेश दिया है, जो न सिर्फ कानूनन अपराध है बल्कि सरकार के आदेश की अवहेलना भी है। कार्यस्थल पर सैकड़ों मजदूर और तकनीशियन एक साथ काम करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उनसे बीती रात 2 बजे तक काम करवाया गया है। एनएचएआई ने यह काम वेलस्पन कंपनी को दे दिया है और वेलस्पन ने एसपी सिंगला को। एसपी सिंगला स्थानीय और बाहरी लोगों से काम करवा रही है। सरकारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 269/271 और 277 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। बावजूद इसके एनएचएआई ने पत्र जारी कर काम करने का आदेश दिया। आप लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ? काम करने के लिए, काम कराने के लिए। काम कराने के लिए? हाँ। काम तो बंद करने का आदेश है सरकार से। नहीं, कंपनी तो ऑर्डर है कि आधा लेबर आज काम करेगा, आधा लेबर कल काम करेगा। ये ऑर्डर कौन दिया है? पीएम साहब बोले हैं। कौन पीएम? रविशंकर सर। अभी कहाँ हैं? रविशंकर सर हमारे ठेकेदार को बोला है, ठेकेदार हमें भेजा। कहाँ है अभी पीएम? कहाँ है? ये लोग सब यहाँ पे कोई नहीं है ऑफिस में। पीएम नहीं है, सिर्फ हमें बुलाया गया है यहाँ। आपके ठेकेदार कौन है? त्यागी बाबा। त्यागी बाबा में कौन है ठेकेदार? नाम बताइए, ठेकेदार का नाम बताइए। बहुत नाम है, मेन का अथी है त्यागी बाबा। अरे त्यागी बाबा तो कंपनी का नाम हुआ ना, उसका ठेकेदार का नाम बताइए ना कौन है। मुखिया जी होंगे। मुखिया राम कुमार मुखिया? दोनों मुखिया, दोनों मुखिया है उसमें।